इस तपती गर्मी ने सभी लोगों को बहुत ही परेशान कर रखा है। इस गर्मी के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे हमें कमजोरी का एहसास होता है। इससे बचने के लिए आप कई प्रकार के जूसे पीते हैं, जो हमारे शरीर को राहत और सुकून पहुंचाता है। तो चलिए आज मैं आप सभी को वाटरमेलन की जूस पिलाऊंगी, तो बने रहे हमारे पूरे वीडियो में। तो चलिए वाटरमेलन की जूस बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले वाटरमेलन को ले ली हूँ। ये बड़ा साइज का वाटरमेलन है, मैं इसे बीच से आधा में बांट लेती हूँ। ऐसे मैं काट ली हूँ, अब मैं इसे फिर से चार भाग करके काट लेती हूँ। आप इसे अच्छे से काटें। मैं वाटरमेलन को चार भाग में काट ली हूँ, इसे एक भाग को मैं ले लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बड़े सा बर्तन ले ली हूँ और उस बर्तन में अपना हिसाब से मैं पानी को ले ली हूँ। इसमें चीनी डाल देती हूँ, चीनी डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। आप इसे अच्छी तरह से मिलाएं ताकि हमारा चीनी जो है घुल जाए अच्छी तरह से। आप यहाँ पे चीनी का मात्रा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब मैं इसमें आइस को डाल देती हूँ, मैं सारे आइस को निकाल के डाल। आइस को डालने से हमारा जो जूस है बहुत ही अच्छे लगेगा। अब मैं चीनी और आइस को डाल दी हूँ, चीनी हमारा अच्छी तरह से घुल गया है। अब मैं आइस और चीनी को अच्छी तरह से मैं मिला लेती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध को मैं डाल देती हूँ, इससे हमारा जूस है जो बहुत ही टेस्टी लगेगी पीने में। अब मैं यहाँ पर वाटरमेलन को ले ली हूँ, ऐसे मैं लंबे लंबे चाकू के सहायते से इसे काट लेती हूँ और इसे मैं छोटे छोटे पीस में इसे अच्छी तरह से काट लेती हूँ। मैं सारे वाटरमेलन को अच्छी तरह से काट ली हूँ। अब मैं यहाँ पे जो जूस बनाई थी उसी में मैं वाटरमेलन को डाल देती हूँ। मैं सारे वाटरमेलन को अच्छी तरह से डाल देती हूँ, इससे हमारा वाटरमेलन बहुत ही अच्छा बनेगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें रुआबजा को डाल देती हूँ, इससे हमारा जूस का जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगी। आप जूस को अच्छी तरह से सारे चीज़ों को डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लें। मैं अच्छी तरह से इसे मिला ली हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ जूस देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इसमें आइस थोड़ा सा और आइस को मैं डाल देती हूँ। मैं सारे आइस को डाल दी हूँ, अब इसे अच्छी तरह से मैं मिला लेती हूँ। हमारा जूस बनकर तैयार है। अब मैं इसे गिलास में निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा जूस कितना अच्छा लग रहा है, ये पीने में उतना ही स्वादिष्ट लगेगी। गर्मियों में ठंडा पीने का किसे नहीं मन करता है। आप अपने घर में इतनी मज़ेदार जूस बनाकर पी सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से कल के वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये छोटी सी कोशिश आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।